नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं युवराज सिंह को लेके, क्या युवराज सिंह वर्ल्ड कप में वापसी करेंगे, और इसी को लेके हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेक्स्ट लाइन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, युवराज सिंह ने साफ मना कर दिया कि वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं युवराज सिंह? देखिए लव, चांसेस बहुत कम है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम का जो है प्रदर्शन चल रहा है या टीम बिल्डअप हो रही है, जो युवाओं पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवराज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो है वो बीसीसीआई को भी सोचनी पड़ेगी और कप्तान विराट को भी सोचनी पड़ेगी कि क्या आप जो युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, क्या ये 10-12 मैचेस में ये तय हो जाएगा कि वो खिलाड़ी टीम में खेलने लायक हैं या नहीं है। आपकी वर्ल्ड कप की टीम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं लग रही है। अब आप बताइए, अगर आप हार्दिक पांड्या को लेकर आते हैं तो रविंद्र जडेजा के साथ नाइंसाफी होगी, उस खिलाड़ी को आपको बाहर करना पड़ेगा। केदार जाधव क्या आपके लिए इतने रिलायबल हैं? ठीक है, बॉलिंग ऑप्शन तो देते हैं, तो फिर या तो उनकी जगह एक प्रॉपर बॉलिंग वो खिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम के लिए जो दिक्कत है वो टॉप तीन नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है 4, 5 और 6। 4 नंबर आपके राइडू सेट हो चुके हैं, 5, 6 और 7, ये तीन में से आपको 2 स्लॉट फिक्स करने हैं, क्योंकि आपका धोनी 5 नंबर पर खेलेंगे, तो 6 और 7, 6 के दावेदार हैं केदार जाधव, मनीष पांडे और बाकी खिलाड़ी। मनीष पांडे को आप रेगुलर नहीं खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है जो टीम को आगे ले जा सके। आप केएल राहुल पे भरोसे नहीं चल सकते, केएल राहुल को आप डाउन द ऑर्डर नहीं खिला पाएंगे, तो कहीं अब ज़रूरत है आपको अपने सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की। अगर आपको मौका देना था तो आप ज़रूर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में दे सकते थे, इस T20 सीरीज़ तक में मौका दे सकते थे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने ज़रूरी नहीं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में दर्शकों से कहा था कि वो कमेंट करके बताए कि क्या युवराज सिंह अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो टीम कैसी रहेगी, तो दर्शकों ने बहुत कमेंट्स करे हैं, लाखों हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं, और उसमें ये बात बहुत सारे दर्शकों ने कहे कि बिना युवराज सिंह के वर्ल्ड कप अच्छा नहीं लगेगा, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप बिल्कुल खेलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, और धोनी तो शायद खेलेंगे, विराट ये पहले ही साफ कर चुके हैं, लेकिन युवराज को लेकर असमंजस की स्थिति तभी बनेगी। अब बहुत छोटी सी बात है कि आप अगर आप टीम से ड्रॉप्ड हैं, आप टीम में नहीं खेल रहे हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, सिक्सर किंग कहा जाता है युवराज को, लेकिन आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप जब प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो कोई भी सिलेक्टर आपको नहीं रख पाएगा टीम में। आपको अगर ये कि डायरेक्ट युवराज सिंह को पिक कर लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि युवराज डोमेस्टिक में अच्छा खेलते, अब रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, आप युवाओं को जगह भी देना चाहते हैं, अपनी खुद को ड्रॉप भी करना चाहते हैं, उसके बाद आप सोचेंगे कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होने वाली बात है। रणजी ट्रॉफी से जब युवराज ने अपना नाम वापस लिया था तो एक रीज़न बताया था कि वो युवाओं को मौका देना चाहते हैं कि पंजाब के युवा पंजाब की रणजी टीम की तरफ से खेले और आगे अपना करियर बनाए। क्या बस यही एक वजह है कि वो रणजी ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले लिए? देवधर ट्रॉफी में भी उनका नाम बिजी से ही नहीं बोला था, तो बस यही एक वजह हो सकती है कि या कोई और भी वजह? देखिए, वजह कई सारी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है सिलेक्टर से नाराज हों युवराज कि उनको भाई देवधर ट्रॉफी में क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन भी नहीं था युवराज का। अगर देखा जाए विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 264 रन थे, करीब 40 की औसत थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट पिक कर लीजिए, लेकिन आपको उनको देवधर ट्रॉफी में एक बार मौका देना चाहिए था, क्योंकि अगर वहाँ युवराज अच्छा करते तो वो टीम में आ सकते थे, उनको मौका दिया जा सकता था। अब जैसे ऋषभ पंत हैं, ऋषभ पंत लंबी लंबी हिटें लगाते हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, तो हाँ, ये हम जानते हैं कि ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को ड्रॉप इसलिए किया, वो चाहते हैं कि भाई मेरी टीम जो है शायद मैं अब छोटे फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता। कहीं ना कहीं धोनी को ये बस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि जहाँ आपको हार्ड हिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लंबी लंबी हिटों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी अब वो धोनी नहीं है जो आपको 20-30 गेंदों में 60-70 रन कर दें, तो अब ज़रूरत है लंबे लंबे हिटर्स की। और अगर थोड़ा सा ऋषभ पंत को लगेगा कि अब मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मैं एज अ कीपर हूँ, तो विकल्प के तौर पर तलाश रही है, लेकिन वनडे फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी इस वजह से भी अपना नाम वापस तो नहीं लिए, क्योंकि कई ऐसी खबरें आई हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, तो किसी को अपने जगह पे छोड़ के जाना चाहते हो, वो ऋषभ पंत हो तो वो चाहते हैं। देखिए, बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय क्रिकेट में कीपर्स, ठीक है, धोनी के आने के पहले हम कीपर्स को उतना तवज्जो नहीं देते थे, ये ट्रेंड बदला है एडम गिलक्रिस्ट ने जब वो आए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और कीपर हमेशा जो है अब हर टीम में खतरनाक रखा जाता है, जो हार्ड हिटर होता है, क्योंकि हार्ड हिटर कीपर
कीपिंग का मतलब ही है। दूसरी बात यह है कि पहले जो खिलाड़ी होते थे वो एज अ विकेट कीपर खेलते थे और वो ये काफ़ी जगह को कवर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गिलक्रिस्ट ने उस ट्रेंड को बदला, संगकारा ने उस ट्रेंड को बदला, भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने उस ट्रेंड को बदला। ऐसा नहीं कीपर्स हमारे पास हमेशा से अच्छे रहे थे, सैयद किरमानी साहब हो गए, सबा करीम साहब हो गए, या फिर आपके पास किरण मोरे साहब हो गए, इन सब ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ करके दिया। लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने नाम को बिल्ड किया है, कप्तान रह चुके इतने, अब आप देखिए अमूमन जो 10,000 रन जिन खिलाड़ियों के हैं वो या तो ओपनर्स हैं या 3 नंबर 4 नंबर के, 5-6 नंबर पर आकर अगर इस खिलाड़ी के आंकड़े 50 की औसत से ज़्यादा हैं, 10,000 रन कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है तारीफ का विषय है। माइकल बेवन एक समय माने जाते थे, फिर महेंद्र सिंह धोनी का दौर आया, तो धोनी इसलिए टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि अब वर्ल्ड कप आने वाला है, आपके वर्ल्ड कप के 12 मैचेस अब बचे हुए हैं, क्यों नहीं आप अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं? अगर आपने टेस्ट करना है पुराने खिलाड़ियों को तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, नए खिलाड़ियों पर आप दाव लगाएंगे कितना एक्सपीरियंस होगा उनको इंग्लिश कंडीशंस का, ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप पहले खिलाड़ी प्रदर्शन करके बैठे उनको मौका नहीं मिल रहा, मनीष पांडे हैं, श्रेयस अय्यर ने इतना बढ़िया किया, श्रेयस अय्यर को आप टीम में नहीं रख रहे, तो ये सोचने की बात है, आप बात ही राइडू नहीं है। तो अब ये सोचना है अब विराट कोहली को कि वो आखिर टीम यहाँ से कैसे बिल्ड करेंगे, नंबर 4 पे तो चलिए राइडू सेट हो चुके हैं, ये क्यों जरूरी है कि T20 फॉर्मेट में हम दूसरी टीम उतारेंगे? क्यों? जो खिलाड़ी आपको हिट करके दे रहे हैं आप उनको जितने ज्यादा से ज्यादा मैच प्रैक्टिस, कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो लव, जब तक उसको मैच प्रैक्टिस नहीं मिलेगी वो प्रदर्शन अच्छा कर सकता। अंबती राइडू भी इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉप कर दिए क्योंकि वो यो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सुरेश रैना का भी यही था, वो यो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। नहीं, सुरेश रैना ने यो टेस्ट क्वालिफाई किया था, लेकिन ये था कि सुरेश रैना अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे जो उनसे उम्मीद की गई थी, इस वजह से वो फिर से टीम से ड्रॉप हो गए। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टर्स ने उनको मौका नहीं दिया, सुरेश रैना को इंग्लैंड दौरे पर रखा गया था, लेकिन सुरेश रैना की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही थी कि भाई आप उनको नहीं रख सकते, आपको नंबर 4 पर सुरेश रैना विकल्प होते अगर वहां पर वो रन्स कर देते, राइडू की जगह आपको जगह तो बनानी पड़ेगी, आपको जगह के लिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देवधर ट्रॉफी में वो खेल रहे, परफॉर्मेंस अच्छा है उनका, तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्या वापसी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता हो सकती है, सुरेश रैना या युवराज सिंह में से किसी एक की वापसी ज़रूरी है, दोनों गेंदबाजी से भी आपको उतना प्रदर्शन करके दे सकते हैं। केदार जाधव अभी एडवांटेज क्यों है भारत के साथ, क्योंकि केदार जाधव गेंदबाजी से विकेट दिला रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाजी से, तो कहीं ना कहीं विराट के मन में लालच आ गया कि नहीं भाई मेरे पास एक ऑप्शन है तो ये बल्लेबाजी भी कर सकता है, मैं इसको खिलाऊंगा। आपके पास क्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को जिता सकते हैं? आपको बैटिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास हैं, बाकी भुवनेश्वर कुमार ये सब देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या जब आ जाएंगे तो केदार जाधव का रोल उतना नहीं रहेगा, आप फिर अब एक रेगुलर प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर भारत के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर ज़रूरत है सुरेश रैना या युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी जो आपके 3-4-5 ओवर का जो कोटा होता है। आपने हार्दिक पांड्या का सही जिक्र किया, विराट कोहली ने जब आखिरी ओडीआई था और टीम इंडिया ने जीता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि हम हार्दिक पांड्या के फिट होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद उनकी टीम में वापसी हो जाएगी। तो जब हार्दिक पांड्या टीम में एंट्री करेंगे तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो बाहर जाएगा? मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा बाहर जाएंगे, क्योंकि अब ये यही बहुत मुश्किल है, लेकिन जडेजा को बाहर, जडेजा आखिरी मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। बिल्कुल, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, खिलाड़ी इतना प्रदर्शन कर चुके हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किसको ड्रॉप करेंगे कितना नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा को इनको टीम में रखना चाहिए, क्योंकि आपको अब आप सोचिए अगर आपको किसी मैच में अपने बैटिंग की डेप्थ बढ़ानी है, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन लेकर खेलते हैं, अब आप 5 गेंदबाज जो आपके पास हैं जिसमें से आपके 2 पेसर हो गए, हार्दिक पांड्या 3 पेसर आपके पास होगा, आपको 2 स्पिनर खिलाने, तो एक मैच में कुलदीप या चहल को ड्रॉप करके आप रविंद्र जडेजा को ला सकते हैं कि भाई वो आपको विकेट भी निकाल के दे सकते हैं और टाइम आने पे सिंगल वगैरह रोटेट करके मैच को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा का रोल बहुत अहम होगा, अगर वो विश्व कप की टीम में रहेंगे तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और जडेजा में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाएगा। और जडेजा का जगह भी बनता है, जैसे उन्होंने आखिरी के 2 मैचों में परफॉर्मेंस दिया, विकेट निकाल के टीम इंडिया को दिए हैं। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं, वर्ल्ड कप तो अभी दूर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो ODI है जो होने वाला है दौरे में, प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से कौन सा रहेगा? जी हम दर्शकों से जानना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है उनमें कौन कौन, किसका किसका नाम आ सकता है? देखिए अभी तो कह पाना बड़ा मुश्किल है लव, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज अभी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी टाइम है 1.5 महीने का, लेकिन मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन वहाँ एक
अलग रहेगा। शिखर, रोहित, विराट का रिकॉर्ड है ही, तो ये तीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। 4 नंबर पर आपकी रायडू सेट है, 5 नंबर पर धोनी अगर सिलेक्ट किए जाते हैं तो। वैसे ऋषभ पंत की एंट्री नहीं, ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को रखा जाएगा। मौके मिल सकते हैं, हो सकता है किसी मैच में, लेकिन ऋषभ पंत को इतना मौका नहीं देंगे। छठे नंबर पर आपके पास केदार जाधव है, अगर सुरेश रैना रहेंगे तो सुरेश रैना खेलेंगे 6 नंबर पर अगर आते हैं टीम में। तो अब जरूरी है कि कॉम्पिटिशन हो और आपके सीनियर खिलाड़ियों की वापसी जरूरी है। आप नए खिलाड़ियों के बल पर प्रदर्शन हो सकता है लेकिन आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और हम स्पोर्ट्स की हर एक छोटी से छोटी खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।